अस्सलाम वालेकुम, आप लोग का स्वागत है शाइन रेसिपी ब्लॉग पे, मेरे छोटे से किचन पे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन काली मिर्च। तो इसके लिए मैंने ली हूँ 1.25 किलो चिकन ली हूँ, और मैंने यहाँ कुछ मसाले ली हूँ जिसमें अक्की धनिया है, सौंफ है, और लहसुन है, काली मिर्च और एक कड़ी पत्ता। इसको थोड़ा मैं ब्राउन करूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने कांदा ली हूँ और कड़ी पत्ता ली, तो मैं इसको ब्राउन करके आपको बताती हूँ। तो देखो, इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको रोस्ट करके निकालूंगी तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखो, इस तरह मैंने इसको रोस्ट करके निकाली। अब इसको पीस के पाउडर बनाएंगे। और मैंने यहाँ पे 3 चम्मच तेल ली हूँ वही कढ़ाई के अंदर, और मैं इसके अंदर पहले डालूंगी कांदा। तो हमको कांदे को ब्राउन करना है, तो मैं आपको ब्राउन करके बताती हूँ। तो इसके अंदर मैं ये लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी, अगर आप चाहिए तो अक्की लाल मिर्ची भी पीस सकते हैं। कांदा है, इस तरह लाल हो रहा है, तो इसके अंदर हम ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी भूनेंगे। और इसी के साथ है ना, हम क्या करेंगे, मैं इसके साथ ही एक कड़ी पत्ता भी डाल दूंगी, और इसी के साथ थोड़ी हल्दी भी डालूंगी। तो मैंने आधी चम्मच हल्दी डाली हूँ, और मैं इसके अंदर ये नमक भी डालूंगी। इसको थोड़ा भूनूंगी, भून के फिर मैं बताती हूँ। तो देखो, इसको मैंने अच्छे से भूनी हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूँ चिकन। मेरा एक ही टाइम का है, अगर आप लोग यहाँ ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मेरा शाम का है इसीलिए मैंने कम ली, क्योंकि हमारे घर में मेरे शौहर भी नहीं खाते, ज़्यादा एक ही रोटी लेते, और मेरी बच्ची भी एक ही रोटी लेती, तो इसके लिए मैंने कम ली और आप लोग ज़्यादा लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा पका के बताती हूँ। तो ये जो पाउडर बनाई थी ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। तो ये मसाला जो हमारा चिपका हुआ है ये भी निकल जाए, और उसके अंदर उतना मसाला नहीं जले गैस पे। तो इसके लिए थोड़ा सा खंगाल के इसके अंदर पानी डाल के मैं और भूनूंगी, और ये देखो है ना, और इसके अंदर मैं है ना ये गरम मसाला थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा गरम मसाला बेकुल डालेंगे और इसको अच्छे से भूनूंगी। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं भून के इसको बताती हूँ आपको। माशाल्लाह से देखो, ये मेरा हो चुका है सूखा काली मिर्च। तो मैं इसके अंदर अब डालूँगी थोड़ी सी कोथमीर। कोथमीर बहुत महंगी हो गई है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही डाला करो, क्योंकि बहुत महंगी है कोथमीर, 100 रुपये गड्ढी हो गई है। और ये देखो माशाल्लाह, तरी वगैरह सब बहुत अच्छे से, देखो माशाल्लाह से। और इसके अंदर मैं डालूंगी ये आधा नींबू, इसका बीज मैंने पहले ही निकाल चुकी हूँ। तो देखो, इस तरह से आधा नींबू डालना। माशाल्लाह देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे बना के ये दाल चावल, चपाती और नान पाव उसके साथ खा सकते हैं आप लोग। तो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा, कमेंट में ज़रूर ज़रूर लिखेगा। तो मिलते हो फिर अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।